Hello everyone, welcome to Microsoft Flight Simulator again. इस बार हम वीडियो हिंदी में बना रहे हैं और हमारी जो सीरीज़ थी जो कि हाउ टू फ्लाई सीरीज़ थी जिसमें हमने सारी ट्रेनिंग्स कंप्लीट की हैं बेसिक कंट्रोल से लेके ऑल्टीट्यूड से लेके टेक ऑफ लैंडिंग फर्स्ट सोलो फ्लाइट नेविगेशन ये हमने सारी वीडियोस कवर किए हैं इंग्लिश में. अगर आप हिंदी में वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन. और आज हम वेरी लास्ट वीडियो शूट करने जा रहे हैं जो कि है फर्स्ट सोलो नेविगेशन फ्लाइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी एंटायरली ऑन योर ओन. तो सबसे पहले जो मेरी जो लास्ट वीडियो थी वो आपको मैं ज़रूर रिकमेंड करना चाहूँगा यहाँ पर, वो आप ज़रूर देखें. वो थी VFR के ऊपर, VFR रूल्स के ऊपर. और आज भी हम टोटल VFR रूल्स पर ही फ्लाई करेंगे जो कि विजुअल फ्लाइट रूल्स होते हैं. जो भी बाहर कुछ दिख रहा है कॉकपिट के बाहर, जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं, बादल दिख रहे हैं, टेरेन दिख रहा है, पहाड़ दिख रहा है, रोड्स दिख रही हैं, घर दिख रहे हैं, एयरपोर्ट्स दिख रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें VFR रूल्स के अंदर आती हैं. तो आज फिर हम एक बार फिर ये लास्ट सेशन हम कंप्लीट करेंगे हिंदी में. तो जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. मेरी कोशिश होगी मैं ज़रूर उनको एड्रेस करूं. लेट्स क्लिक ऑन फ्लाई. आज हम फिर फ्लैगस्टाफ एयरपोर्ट से सेडोना वापस जाएंगे. लास्ट वाली वीडियो में हम सेडोना से फ्लैगस्टाफ एयरपोर्ट गए थे, आज हम वापस आएंगे. जैसे हम गए थे वैसे ही हम वापस आएंगे उसी एयरक्राफ्ट में. सो लेट्स क्लिक ऑन फ्लाई. अब हम Are you ready for this? You are going solo on a full VFR flight. You'll be departing Flagstaff Pulliam Airport, handling every navigational step on your way to Sedona. From takeoff to touchdown, it's all you. Don't worry though. Even if I'm not with you in the cockpit, I'm always with you in spirit. ओके. अब हम सबसे पहले देखते हैं, ये साइड व्यूज चेक कर लेते हैं हम सबसे पहले. और उसके बाद कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा एयरक्राफ्ट के बारे में. जो आप ये विंग्स देख रहे हैं, इन विंग्स पर, दोनों विंग्स पर जो एयरक्राफ्ट का फ्यूल होता है वो लोड किया जाता है दोनों विंग्स पे. लेफ्ट विंग पे अलग टैंक होता है, राइट विंग में अलग टैंक होता है. इसके पीछे जो आप देख रहे हैं ये फ्लैप्स हैं, ठीक है, जो कि अगर मैं फ्लैप्स डाउन करता हूँ, फ्लैप्स डाउन मैंने मेरी लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये फ्लैप्स हैं, ये फ्लैप्स की कॉन्फ़िगरेशन है. ये थ्रॉटल हो गया आपका, ये मिक्सचर हो गया. मिक्सचर वो होता है इंजन में पेट्रोल की मात्रा कितनी आप सर्कुलेट करना चाहते हैं, आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं. कम करेंगे तो इंजन बंद हो जाएगा, फुल रखेंगे तो इंजन ज़्यादा पेट्रोल कंज्यूम करेगा. अच्छा, जो मैं आपको बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स बता दूं, ये एयर स्पीड इंडिकेटर है, इससे आपको एयर स्पीड पता लगती है. मिनिमम टेक ऑफ स्पीड होती है
अराउंड 55 टू 60 नॉट्स। ये क्लॉक है, ये ऑल्टीमीटर है, ये 1000 का है, ये 100s का है। अभी फिलहाल हम 7000 फीट पे हैं, जो ये एयरपोर्ट है वो 7000 फीट पे है, तो हम जब फ्लाई करेंगे तो इससे ऊपर ही फ्लाई करेंगे। ये बताता है वर्टिकल स्पीड, ये 500 फीट पर मिनट, 1000 फीट पर मिनट, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, ये लेवलर है, ये वो बताएगा कि आप कितना नीचे जा रहे हैं या कितना ऊपर जा रहे हैं। ये जो है वो नेविगेशन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इसमें डायरेक्शन बताता है। जो नॉर्थ है वो 360 है, जैसा कि सबको पता है, नॉर्थ 360 है, साउथ 180 है, ईस्ट 90 है और वेस्ट 270 डिग्रीज है। तो ये आपको बताता है कि आप कहाँ हेडिंग है आपकी, आप किस तरफ फ्लाई कर रहे हो। ये आपको दिखाता है अगर आप लेफ्ट जाओगे ये, तो ये लेफ्ट की तरफ हो जाएगा, राइट जाओगे तो ये राइट की तरफ हो जाएगा। ये दोनों जो हैं वो नेविगेशन पर्पजेस के लिए हैं, इनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। ये आपका पार्किंग ब्रेक है, ये मैं पार्किंग ब्रेक रिलीज करूंगा, उसके बाद हम फ्लाई करेंगे। ये मास्टर स्विचेस हैं और ये इंजन स्टार्ट बटन है, तो अभी फिलहाल हमारा इंजन स्टार्ट है। ये है आपकी ट्रिम, पिच ट्रिम। इसका पर्पस ये होता है कि आपको जब आप फ्लाई कर रहे होते हैं तब आपको हर समय आपके योक को पकड़ के नहीं रखना पड़ता, आप इस पिच ट्रिम का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ऊपर करेंगे इसको, इसको ऐसे ऊपर करेंगे तो एयरक्राफ्ट नीचे जाएगा, इसको नीचे करेंगे तो एयरक्राफ्ट की नोज अप होगी, तो ये ऐसे करेंगे तो नोज डाउन जाएगी, ऐसे करेंगे तो नोज अप जाएगी। ठीक है जी, उसके बाद ये है इंजन आरपीएम। अभी लगभग 5,500-6,000 आरपीएम पे इंजन रन कर रहा है आइडल पोजीशन पे। ठीक है, अब हम टेक ऑफ करेंगे। टेक ऑफ करने से पहले हम अपने इंस्ट्रूमेंट्स चेक कर लें सारे, सब ठीक है या नहीं। तो हम सबसे पहले अपना योक से चेक करेंगे, लेफ्ट राइट, अप डाउन, ये लेफ्ट ये राइट। ओके, अब हमारी सारी की सारी तैयारी हो चुकी है, अब हम पार्किंग ब्रेक रिलीज करेंगे और टेक ऑफ करेंगे हमारी आज की फ्लाइट के लिए, जो कि है फ्लैगस्टाफ एयरपोर्ट से सेडोना एयरपोर्ट। चलिए शुरू करते हैं फुल थ्रॉटल। अब आप देखेंगे ये 2200-2100 आरपीएम पे है, मैं स्ट्रेट रखने की कोशिश कर रहा हूँ जितनी हो सकती है। जैसे ही ये 55 टू 60 नॉट्स के बीच में आएगा हम टेक ऑफ करेंगे। ओके, ये आ गया है, अब हम टेक ऑफ कर रहे हैं। देखिए हमने फ्लैगस्टाफ एयरपोर्ट छोड़ दिया है, सीधा फ्लाई करेंगे स्ट्रेट लाइन। जब तक आपका रनवे खत्म नहीं होता तब तक आप स्ट्रेट ही उड़ेंगे, ये जरूरी है। अब हम क्लाइंब करेंगे 8000 फीट पे, अब हम 8000 फीट पे क्लाइंब कर रहे हैं।
स्पीड थोड़ी सी कम हो रही है, हम ज़्यादा पिच अप नहीं करेंगे। देखिए, हमने यहाँ से सीधा टेक ऑफ किया है एयरपोर्ट से, और थोड़ा सा आगे जाने के बाद हम धीरे से लेफ्ट लेंगे और हम एयरपोर्ट के ऊपर से जाएंगे एज इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि हमें यहाँ इंस्ट्रक्शन दिख रही है। हम यहाँ से थोड़ा सा लेफ्ट टर्न लेके अपने एयरपोर्ट के ऊपर से जाएंगे, क्योंकि हमें हमारी जो जर्नी है वो पूरी VFR रूल्स के ऊपर बेस्ड है। हमें जो भी कुछ बाहर दिख रहा है, हम उसे एज अ वे पॉइंट बनाकर अपनी दूसरे एयरपोर्ट पे पहुँचेंगे। हम यहाँ से लेफ्ट लेंगे। ये देखिए, जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको थोड़ा सा बताया था, मैं दोबारा बता देता हूँ। जैसे ये हमारा एयरपोर्ट है और नीचे हाईवे है, ये हाईवे है, हमें इसे फॉलो करना है और इसे फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अब हम अब हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस आई हैं, उस हिसाब से हमें एयरक्राफ्ट को रनवे के ऊपर रखना है। उसके बाद हम यहाँ से क्रूज ऑल्टीट्यूड पे फ्लाई करेंगे, मिनिमम 8,000 फीट, क्योंकि एयरपोर्ट ही 7,000 फीट पे है। इसलिए हमें ये जो टाइमिंग है वो हमें शुरू करनी पड़ेगी। जब जैसे ही हम एयरक्राफ्ट, अब देखिए, जैसे हमारा एयरक्राफ्ट जो है वो हमारे रनवे के ऊपर आ गया है, हमने फ्लैप्स अप कर लिए हैं, फ्लैप्स ऊपर कर लिए हैं सारे के सारे। 10% फ्लैप्स पे हमने टेक ऑफ किया था, अब हमने फ्लैप्स 0 किए हैं। अब हमें अपनी स्टॉप वॉच स्टार्ट करनी है। इसका मतलब ये होता है कि हम एक वे पॉइंट पे पहुंचेंगे कुछ देर बाद, अब से 6.5-7 मिनट की दूरी पे हम एक वे पॉइंट पे पहुंचेंगे जिसका नाम है मंट्स पार्क गोल्फ क्लब। वहाँ पहुँचने के बाद हम राइट टर्न लेंगे। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि जब हम वहाँ से वापस आ रहे थे, जब हम सेडोना एयरपोर्ट से आ रहे थे, तो हम मंट्स पार्क से लेफ्ट लिया था हमने। अब हम उसी वे पॉइंट पे पहुँच के वहाँ से राइट लेंगे, क्योंकि हमें सेम वही एयरपोर्ट पे वापस जाना है। ओके, थ्रॉटल हमारा काफ़ी फास्ट है, तो अब हम थोड़ा इंजन को आराम देते हैं, और नहीं तो एनर्जी और फ्यूल कंजप्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हम इस वक्त 9,000 फीट पे फ्लाई कर रहे हैं, वर्टिकल स्पीड हमारी लगभग 0 के बराबर ही है और फ्लैप्स हमारे 0 हैं,
और हम फ्लाई कर रहे हैं ये हाईवे के साथ साथ, और हमारा टाइमिंग जो चल रहा है वो है 1 मिनट लगभग 45 सेकेंड्स। हमें अभी लगभग 6 मिनट के अराउंड लगेगा फ्लाई करने में और इस वे पॉइंट तक पहुंचने में। अब मैं ये वीडियो कुछ देर के लिए स्किप करके जब हम वहां पहुंचने वाले होंगे तब मैं आपके पास वापस आता हूं। गाइज वेलकम बैक अगेन। हम जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ एक रेजिडेंशियल एरिया है, तो ये एक वे पॉइंट था और ये मुंस पार्क गोल्फ क्लब वे पॉइंट, हम यहाँ पहुँच चुके हैं और अब हम यहाँ से राइट लेंगे और हमें जैसे ऑब्जेक्टिव्स आए हैं उस हिसाब से हमें फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे कि आपने देखा मैंने आपको 7:30 मिनट बताया था, ये लगभग मैं थोड़ा स्लो फ्लाई कर रहा था इसलिए ये मुझे 8 से 8:30 मिनट लग गए यहाँ पहुँचने में, और अब हम इसको पॉज करके रीसेट करेंगे। अब हम सेडोना एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, इसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है। और तो अब मैं जैसे ही सेडोना एयरपोर्ट के आसपास पहुंचने वाला हूंगा वहां पर भी लगभग मुझे 6 से 7 मिनट लगेंगे। अभी 2 मिनट बीत चुके हैं, 6 से 7 मिनट मुझे लगेंगे और जैसे ही मैं वहां पहुंचूंगा आई विल बी बैक वेरी सून। सो आई एम बैक गाइज अगेन। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारे सामने सेडोना एयरपोर्ट है। अब हम एक काम करते हैं, हम एक राइट टर्न लेते हैं हमारे एयरपोर्ट के ऊपर
यहाँ से हम एयरपोर्ट से इस तरफ से चक्कर लगा के यहाँ से इस तरफ से लैंड करेंगे। तो हम सबसे पहले एक राइट टर्न देंगे, आई लव दिस शॉट, मुझे ये शॉट बहुत पसंद है। हम यहाँ से थोड़ा सा राइट लेंगे और हमारा रनवे है वहाँ हम लैंड करेंगे। तो लैंडिंग प्रिपरेशंस के लिए मैं अब तैयार हो जाता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर फ्लैप्स ऐड करेंगे, फ्लैप्स 10, और जैसे ही हम लैंड करने वाले होंगे रनवे हमारे सामने होगा तो मैं फुल फ्लैप्स कर दूंगा, और ताकि हमारा एयरक्राफ्ट बिल्कुल स्मूथली और स्टेडीली ग्लाइड करे। और अब हम यहाँ से राइट लेते हैं, थोड़ा सा और राइट लेना होगा। ये देखिए एयरपोर्ट हमारे राइट में है लगभग। अब हम फुल फ्लैप्स ऐड कर देते हैं। ये देखिए फुल फ्लैप्स मैंने ऐड कर लिया है। हमारी स्पीड होनी चाहिए रफली अराउंड 55 to 60 knots, और थ्रॉटल बिल्कुल आइडल पे रखता हूँ मैं ताकि ईज़िली हमारा एयरक्राफ्ट ग्लाइड कर सके। नाइस एंड जेंटल। अब हम थोड़ा सा एनर्जी ख़त्म होने का इंतज़ार करेंगे एयरक्राफ्ट की। जैसे ही एनर्जी ख़त्म हो जाएगी वैसे ही हम लैंड कर जाएंगे। अमेजिंग, वेरी नाइस एंड स्मूथ लैंडिंग। वेलकम बैक एंड वेल डन। ओके, इट्स क्लियर यू आर रेडी टू फ्लाई एनीवेयर ऑन योर ओन नाउ। So, where to next? Some people say the sky's the limit. I say it's just the beginning. Alright guys, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। लेटर।